हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनूज किचन चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी समोसे, एक थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिया है मैदा। हम एक कप मैदा लेंगे, इसको अच्छे से छान लेना है। इसको हमने छान लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक, एक चम्मच नमक, कलौंजी, और अब इसमें हम डालेंगे तेल। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। इसका डो बनाना है हमें। अच्छे से गूंदना है इसको, तभी ये समोसे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये हमारा डो बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे अब हमने लिए हैं आलू। तो हमने यहाँ पे ये 7-8 आलू लिए हैं, इनको अभी कद्दूकस करेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी। इसमें डालेंगे हम आमचूर, थोड़ा सा डालना है पिंच ऑफ। हम इसमें मेथी डालेंगे, मतलब 1/2 चम्मच मान लीजिए। धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, हरी मिर्च 1 चम्मच, धनिया। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गार्लिक पाउडर। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। और थोड़ा सा काली मिर्च। अब इसी में हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम सभी पैटी बना लेंगे। ये हमने लिया था 1 चम्मच मैदा और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत पतला नहीं करना है, ये मिक्स हो चुका है। और यहाँ पे अब हमने जो हमारा डो था ये भी तैयार हो चुका है। इसकी हम दो अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा फ्लोर लगा लेंगे। यहाँ पे बेल रिया एक रोटी, इसके हम 4 हिस्से करेंगे। अभी हम साइड कर देंगे इनको। और ये एक साइड का हमने रख लिया है, इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे इस साइड से। थोड़ा सा हमें इसको लंबा करना है। और अब हम ये रखेंगे इसमें आलू की पैटी और जो साइड में हम लगाएंगे थोड़ा सा जो घोल बनाया था हमने, यहाँ से हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे यहाँ पे ये। और इसको हम इधर से बंद करते हुए इस तरीके से रोल करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे इसको चुप लगा देंगे, बंद कर देंगे। और ये अच्छे से डिज़ाइन बन गया है इसका। इसी तरीके से हम सभी बनाएंगे। मैं एक और बता देती हूँ आपको। हमने कर लिया, इसको बेल लिया है। यहाँ पे हम पैटी रखेंगे, इधर पेस्ट, ये चिपकाएंगे, यहाँ पे जॉइंट करना है और इसको यहाँ से कवर करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम सारे समोसे बना लेंगे अपने। हमारा ऑयल गरम हो चुका है यहाँ पे, इसको मीडियम रखना है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। मीडियम पे ही फ्राई करना है, तभी वो क्रंची होंगे। इनको अब हम स्लो स्लो और इनको पलटते रहेंगे और इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये हल्के हल्के लाइट ब्राउन हो गए हैं। हम इनको बिल्कुल मीडियम गैस पे फ्राई कर रहे हैं क्योंकि तभी ये बहुत अच्छे से क्रंची होंगे।
इसी तरीके से हमें फ्राई करने हैं। अभी हम इनको और थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। ये देखिए ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको उतार लेंगे इस पे से। ये सारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम सारे फ्राई करेंगे, इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए हमारे लेयर्ड वाले समोसे बन के तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से लेयर है इसमें और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब आप ज़रूर अपने घर पे इसको एक बार ट्राई कीजिए, देखिए एक बार ज़रूर ट्राई करिए अपने घर पे और हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।